नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको सिलेंडर हेड में वाल्व सीट कैसे बनाई जाती है और कैसे उसमें कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सिलेंडर हेड में वाल्व सीट बनाने के लिए हम लोग वाल्व सीट कटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास वाल्व सीट कटर है, ये होता है वाल्व सीट कटर। ठीक है, ये वाल्व सीट कटर इस तरह होता है, जितने डाई की सीट का एंगल होगा उतने सीट एंगल का हमें वाल्व सीट कटर लेना है। जैसे ये 45 डिग्री का है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है। देखें आप, वाल्व की सीट बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके पिछले वाले हिस्से में देखिए, एक एक्सटेंशन राड लगती है जिसमें इंटरनल थ्रेड होती है। ये थ्रेड हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ये लगाने के बाद आप देखिए एक एक्सटेंशन से, और इसके अंदर हम लोग जितना सीट हमें लेना है उस सीट में इसको यहाँ ऐसे रखते हैं और इसको रिमूव करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। हमें जब तक घुमाना है जब तक कि ये 45 डिग्री की अगर सीट है तो 45 डिग्री की सीट ना हो जाए। तो इस तरह हम लोग वाल्व सीट कटर का प्रयोग करते हैं। आजकल वाल्व सीट बनाने के लिए हम लोग लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं जो मार्केट में उपलब्ध होती है। जी धन्यवाद।